आजकल इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट ड्रिंक्स। इस यम्मी बाय मम्मी के एपिसोड में हम बनाएंगे इंस्टेंट आइसक्रीम केक। These recipes will soon be available in many Indian languages. You will find the link in the description below. But before we start, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon for live updates. बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है। अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ऊपर दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक करें। ये इंस्टेंट आइसक्रीम केक बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 टेबलस्पून न्यूटेला, 5 से 6 टेबलस्पून पीनट बटर, 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, अमूल व्हिपिंग क्रीम, आधा टीस्पून वनीला एसेंस और 9 आइसक्रीम सैंडविच। ये मैंने क्रीम बेल के स्टॉल से खरीदा है। स्टेप 1, हम पहले व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक ठंडा मिक्सिंग बोल, जो कि हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और हमारा जो अमूल व्हिपिंग क्रीम है वो भी हमने फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था। अब हम अपना अमूल व्हिपिंग क्रीम इस ठंडे बोल में डालेंगे और एक विस्कर से इसको बीट करेंगे। अब हम इस मिक्सचर में आधा टीस्पून वनीला एसेंस और 6 टेबलस्पून चीनी डाल के इसे मिलाएंगे। ये लीजिए, आपका ये व्हिप्ड क्रीम तैयार है। हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। स्टेप 2, अब हम एक बड़ा सा केक प्लेटर लेंगे और जो हमने क्रीम बेल आइसक्रीम सैंडविच लिया हुआ है उसको साइड बाय साइड जमा देंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि इसको हमें बहुत ही जल्द बनाना है, क्योंकि ये आइसक्रीम है और ये पिघल जाएगा। पहले हम 3 आइसक्रीम सैंडविच को साइड बाय साइड रख देंगे और उसके ऊपर चम्मच से हम न्यूटेला लेके ड्रिजल करेंगे। न्यूटेला डालने के बाद अब हम पीनट बटर को एक चम्मच से लेंगे और उसके ऊपर ड्रिजल कर लेंगे। उसके बाद हम 3 और आइसक्रीम सैंडविच लेके उसके ऊपर जमा देंगे और फिर हम उसके ऊपर न्यूटेला और पीनट बटर छिड़क देंगे। अब हम ये प्रोसेस को और एक बार रिपीट करेंगे ताकि हमारा 3-स्टोरी केक बन जाए। अगर आपको अपना आइसक्रीम सैंडविच पिघलता हुआ दिखे तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बनाया हुआ व्हिप क्रीम अच्छे से आइसिंग की तरह स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हम छिड़केंगे पीनट बटर और न्यूटेला। पीनट बटर और न्यूटेला को साइड में भी आप छिड़क सकते हैं ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखे, और स्वादिष्ट तो ये है ही। अगर आपके बच्चों को स्वीटिश पसंद है तो मैंने पिछले एपिसोड में एक बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट पुडिंग बनाया था। देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अब हम इस आइसक्रीम केक को 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। हमारा आइसक्रीम केक एकदम से जम गया है और खाने के लिए तैयार है। लक्ष्य को ये आइसक्रीम केक मजे से खाते हुए देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। लक्ष्य को ये आइसक्रीम केक बहुत पसंद आया। अगर आपके बच्चों को भी पसंद आया है तो मेरे चैनल अ क्लासिक मॉम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।